खूब खूब स्वागत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूबर्स, ओटीपी प्लॅटफॉर्म सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. एक ऐतिहासिक घटना या मैदानावर आपल्या नागपूर शहरामध्ये उद्या घडणार आहे आणि त्या संदर्भामध्ये पहिल्यांदा या ग्राउंडवर आपल्यासोबत संवाद साधण्यासाठी महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय नानाभाऊ पटोले साहेब, त्यांच्यासोबत माजी मंत्री कार्याध्यक्ष सन्माननीय नसीम खान साहेब, आपल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे युवक अध्यक्ष सन्माननीय बी बी श्रीनिवासजी, संपूर्ण सोबत नेते मंडळी इथे उपस्थित आहे. मी प्रदेशाध्यक्षांना विनंती करतो की त्यांनी या ऐतिहासिक क्षणाच्या संदर्भामध्ये आपल्याला संबोधित करावं. सगळ्यांना नमस्कार. भारत जोडो मैदानाच्या माध्यमातून उद्याचा जो ऐतिहासिक क्षण आम्हा सगळ्या देशवासियांना बघायला मिळणार आहे, मी ऐतिहासिक क्षण याच्यासाठी म्हणालो की जेव्हा जेव्हा काँग्रेसनी मग स्वातंत्र्याच्या पूर्वी असो की स्वातंत्र्याच्या नंतर असो, जेव्हा जेव्हा देशावर संकट आलं तेव्हा तेव्हा नागपूर या ठिकाणी होणाऱ्या अधिवेशनाचा असो अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमाचा असो त्याचा एक परिवर्तनाचा मेसेज पूर्ण देशामध्ये गेलेला आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे 1920 मध्ये महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात असहकार ठराव इंग्रजांच्या विरोधात घेतला गेलेला होता आणि त्या माध्यमातून एक मोठं परिवर्तन या देशामध्ये झालं, एक जागृती झाली आणि इंग्रजाला हा देश सोडून 1947 पळावा लागला. त्याचप्रमाणे आणीबाणीचा काळ आपण लक्षात घेतला, आणीबाणीच्या नंतर इंदिराजींनी नागपूरच या ठिकाणी पहिली सभा घेतली आणि त्या काळामध्ये आपल्याला लक्षात असेल की 11 च्या 11 खासदार या विदर्भातून लोकांनी निवडून दिलेले होते. म्हणजे मी मुद्दाहून या क्षणाची आठवण करून देतो आहे आणि त्याच्यामुळे असे अनेक उदाहरण या नागपूरच्या भूमीमध्ये काँग्रेसनी जेव्हा जेव्हा या पद्धतीचे कार्यक्रम घेतले त्याला परिवर्तनच त्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे आणि पुन्हा इतिहास त्याच पद्धतीची पुनरावृत्ती करेल अशा पद्धतीचा विश्वास आमचा आहे. दुसरा महत्वाचा प्रश्न की आज देशावर जे संकट आलेलं आहे, लोकशाहीवर जे संकट आलेलं आहे, देशाच्या संविधानाला रोज मोडलं जाते आहे, या व्यवस्थेला वाचवण्यासाठी, देशाला, देशाच्या लोकशाहीला, संविधानाला वाचवण्यासाठी या ठिकाणातून काँग्रेस शंखानन करणार आहे आणि पूर्ण देशामध्ये या स्थापना दिवसाचा जो काँग्रेसचा जो दिवस आम्ही उद्या जो साजरा करायला निघालेलो आहोत त्या माध्यमातून एक मोठा शंखानन पूर्ण देशामध्ये जाईल आणि त्या माध्यमातून देशामध्येच परिवर्तन केंद्रातल्या सरकारच्या विरोधात जाईल अशा पद्धतीचं वातावरण सुरू झालेलं आहे. आजच राहुलजींच्या यात्रेच भारत न्याय यात्रा राहुलजी आता सुरू करते आहे, मणिपूर ते मुंबई अशा पद्धतीची यात्रा, जवळपास 6,500 किलोमीटरची यात्रा राहुलजी पुन्हा त्यांनी घोषणा केलेली आहे आणि म्हणून त्यासाठी पूर्ण देश मागच्या 4,500 किलोमीटरच्या यात्रेचं जे काही लोकांनी अनुभव घेतला, लोकांनी राहुलजीला जो पाठिंबा दिला आणि त्यामुळे आता पुन्हा मणिपूर ते मुंबई या यात्रेच्या माध्यमातूनही लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणे एक अवेअरनेस आहे, एक जागरूकता आहे आणि राहुलजींना काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचा संकल्प सुद्धा देशभरातील लोक करतात आहेत आणि म्हणून मी हा जो काँग्रेसचा स्थापना दिवस नागपूरच्या भूमीवर साजरा होत आहे, महाराष्ट्राच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राच्या भूमीवर साजरा होत आहे, शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचाराच्या महाराष्ट्राच्या या भूमीवर होत आहे, त्यामुळे हा एक मोठा मेसेज
या भूमीमधून जाईल अशा पद्धतीचा विश्वास मी व्यक्त करतो आहे. यस, कांग्रेस का स्थापना दिन 28 दिसंबर को हम यहां पर मनाने जा रहे हैं. ये भारत जोड़ो मैदान, इस मैदान का नाम दिया गया है और इस मैदान के आधार पर जो संदेश हम यहां से हमारे हाईकमांड देना चाहती है, क्योंकि आज लोकतंत्र अपना देश का धोखे में आया है, खतरे में आया है, संविधान खतरे में आया है. आपने पार्लियामेंट का सेशन देखा है कि जो सांसद संसद में नहीं थे उनको भी सस्पेंड किया गया. लोगों ने चुन के दिए हुए सांसदों को किस तरह से सस्पेंड कर जो कानून उनको बदलना था वो उनने बदल दिए. आईपीसी का बीपीसी कर दिया, कई घटनात्मक सुधार उसमें किया और उसे लोकतंत्र को पूरे बर्बाद करने का प्लान केंद्र के नरेंद्र मोदी के बीजेपी की सरकार ने किया है. इतिहास में अगर जाते हैं नागपुर के भूमि के, तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहकार आंदोलन अंग्रेज के विरोध में यहाँ पर पुकारा गया था, उसका ठहराव पारित किया गया था और वहीं से पूरे देश में ऐसा मैसेज पहुंचा कि अंग्रेजों को देश छोड़ के भागना पड़ा. जब जब देश के ऊपर अन्याय होता है, जब हमारे संविधान के ऊपर खतरा मंडराता है, तो इसी नागपुर के भूमि से कांग्रेस ने आगाज करने के बाद परिवर्तन की लहर शुरू हो जाती है. हमारी नेता इंदिरा जी गांधी ने भी आनी बानी के बाद, इमरजेंसी के बाद यही नागपुर के भूमि से आगाज किया था और पूरे देश में उसका परिवर्तन हुआ था. जिस विदर्भ के भूमि में 11 सांसद थे, 11 के 11 सांसद उस समय में कांग्रेस के चुन के आए थे. आज हमारी देश लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है और ऐसे व्यवस्था में देश को बचाना ये कांग्रेस का दायित्व जाता है. और यहाँ पर कल हमारे सभी शीर्ष नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी नेता सोनिया जी, हमारे नेता राहुल जी, हमारी नेता प्रियंका जी और देश भर से हमारे मुख्यमंत्री जी, कहीं हमारे पीसीसी के अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस कल यहाँ पर इकट्ठा होगी और यहाँ से पूरे देश में परिवर्तन का संदेश देने का शंकानंद यहाँ से होगा और पूरे देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है. राहुल गांधी की यात्रा कभी पास डेट 14 जनवरी 14 जनवरी से यात्रा शुरू होगी मणिपुर से. 14 जनवरी ये यहाँ से लोकतांत्रिक व्यवस्था ही पूरे खतरे में आ चुकी है. हाल ही में हुए संसद का सेशन आपने देखा होगा कि सरकार जो तानाशाह प्रवृत्ति की तरफ जा रही है, ये लोकशाही के लिए सबसे, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है. हमारे देश का संविधानी 4 स्तंभों को बर्बाद करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है और देश का संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाना ये कांग्रेस का दायित्व बनता है. जिस तरह से किसानों को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह से कामगारों को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ाकर देश के आम लोगों को जीना हराम कर दिया है, जिस तरह से हमारे देश में पड़े हुए युवा बच्चे बच्चियां उनको बेरोजगार करने का पाप केंद्र की और बीजेपी प्रणीत सरकार राज्यों की कर रही है और पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर रही है, इनको सबको सुरक्षित करना, इनको बचाना ये दायित्व कांग्रेस पार्टी का है और यहाँ से मैसेज वही हम कांग्रेस पार्टी देगी, क्योंकि कांग्रेस का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है, जब जब भारत माँ के तिरंगा के ऊपर, भारत माँ के ऊपर किसी ने तिरछी नजर की तो उसको उसकी जगह दिखाने का काम कांग्रेस ने किया. लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जब भी देश के ऊपर संकट आया कांग्रेस आगे आई और देश की जनता ने कांग्रेस को साथ दिया है.
और कांग्रेस ने 60 साल के उनके पूरे कार्यकाल में इस देश को महासत्ता बनाने का काम किया, लेकिन गए 10 साल में देश को बर्बाद करने का काम बीजेपी की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, ये पूरे देश की जनता को पता चल चुका है। और इसलिए इस सब व्यवस्था को बचाना यह कांग्रेस का दायित्व जाता है, और यहाँ से वही आगाज होगा और लोगों को एक विश्वास दिलाया जाएगा। ये नकली गारंटी नरेंद्र मोदी की नहीं, असली कांग्रेस की गारंटी यहाँ से दी जाएगी। कितने लोगों की आपको अपेक्षा है? ये कांग्रेस का फाउंडेशन डे है और इसलिए ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, इसलिए ये कोई जॉइंट इंडिया अलायंस का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए किसी को आमंत्रित करने का यही नहीं है। आप सब लिस्ट हम आपको दे देंगे आज शाम तक, और ये कम से कम 10 लाख के ऊपर लोग आएंगे, लेकिन लोग कहाँ रहेंगे ये, क्योंकि जगह छोटी पड़ने वाली है और उसका हम सोच रहे हैं 10 लाख के ऊपर लोग यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, ये मंशा स्वाभाविक है, कांग्रेस के लिए कोई नया नहीं है, हम अंग्रेज से नहीं डरे, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में आई हुई सरकार से क्या डरना, इसलिए जो सरकार की नीयत अगर अंग्रेज के विचारधारा के साथ चलती हो, डिवाइड एंड रूल और लोगों को डराकर अगर राजनीति करना चाहती है, तो ऐसे व्यवस्था को कांग्रेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस लोगों के सामने जाएंगी और ऐसे संस्था का यूज कर ईडी हो सीबीआई हो सब लोगों का यूज कर आपने जिस तरह से भ्रष्टाचारी लोगों को इकट्ठा कर उनके माध्यम से आप देश चला रहे हो, तो देश की जनता जानती है और उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस इस देश के लिए जीती है, देश की जनता के लिए जीती है, देश के संविधान के लिए जीती है और इसलिए देश की तिरंगा के लिए जीती है, और इसलिए कांग्रेस को ये कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी वो डरा है। हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि डरो मत, तो वही हमको प्रेरणा है और उसी आधार पर हम लड़ाई में पूरी तरह से लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके इश्यूज में शिक्षा नीति का आपने मेंशन नहीं किया है। देखो, इसमें हम लोगों का जब हम संकल्प जनता के सामने रखेंगे, जो मैनिफेस्टो रहेगा हमारा, उसमें हमारे राहुल जी ने भी कहा है कि हेल्थ में, जैसे हमने राजस्थान में जो व्यवस्था बनाई थी उसका पूरे देश में हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। ओल्ड पेंशन का इशू हमारा है, कामगारों का इशू है, शिक्षा का इशू है, ऐसे कई इशू जो है, किसान का इशू है, ये सब इशू को कांग्रेस उसको रखेंगी। लेकिन आज की जो स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस का जन्म ही अत्याचार के विरोध में लड़ने का के लिए हुआ, अंग्रेज के अत्याचार के विरोध में लड़ने के लिए कांग्रेस का जन्म हुआ था। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि तब हमारी जीत अंग्रेज के विरोध में हुई थी, और आज वही डिवाइड एंड रूल और उसी तरह की तानाशाह प्रवृत्ति इस देश में आने के बाद उसके विरोध में भी कांग्रेस लड़ेगी, और देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए वो इस मंच के माध्यम से हमारे नेता मार्गदर्शन करेंगे। देखो, जो चीज है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का आक्षेप है कि वीएम में प्रॉब्लम है, मेरा फंडामेंटल राइट जो है, मेरा व्यक्ति स्वातंत्र जो है, उस आधार पर मेरे को ए को वोट करना है और मुझे लगता है कि वो बी को जा रहा है, तो ये लोगों की भावना है। मेरा विश्वास हो कि मैंने वोट जिसको किया है उसी को गया है, ये मेरा विश्वास होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था बनाया जाए, ये देश के लोगों समूहों का आवाज है, तो मुझे लगता है कि हमारे चुनाव प्रक्रिया का जो स्वायत्तता उसको हमने दी है, उन्हें इस बात को समझना चाहिए और फेयर इलेक्शन हो इस तरह की व्यवस्था बनाना चाहिए। बैलेट का
दुनिया भर के पूरे देशों में अगर बैलेट से वोटिंग होता है तो हमारे देश में भी, और खुद मोदी जी ने भी 2014 में कहा था, तो अब तुम तो देश के प्रधानमंत्री हो, देश की जनता का आवाज़ सुनो। मन की बात अभी सुनना बंद करो, देश की आवाज़ की बात सुनो।